जाता है सुबह सुबह के 4 बजे, वो इसलिए क्योंकि हमारा स्टडी टूर जा रहा था लाहौर, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं जल्दी जल्दी से तैयार हो गई क्योंकि मैं काफी ज्यादा लेट उठी थी। अब भाई आती मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ के आने की, क्योंकि इतनी सुबह सुबह उठा भी नहीं। फिर मैंने अपने छोटे भाई कुछ पेड़ लगा लगा के उठाया कि उठो मुझे छोड़ के आओ। वो रही वो मैंने उस मतलब प्यारी जगह जहाँ पे मैं तालीम हासिल करने के लिए जाती हूँ। सुबह सुबह मौसम इतना प्यारा था, मुझे लगा कि आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, कोई गर्मी शर्मी नहीं होगी, पड़ी तो उल्टा ही हुआ था। आज शीशे में अकेली खड़ी हूँ क्योंकि मेरी दोस्त मेरे साथ नहीं जा रही। अब जी इंतजार हो रहा है कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए तो हम निकले। इतने में बच्चे इकट्ठे हो गए और हमारे सफर का बकायदा आगाज तकरीबन 5:45 पे हो गया था। सफर के दौरान मैं ज्यादा चीजें नहीं खा सकती क्योंकि मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता। ये है जी दरिया चिनाब जो कि बेचारा सारा सूखा पड़ा है। अब हम जा रहे थे नाश्ता करने के लिए, और जी यहाँ जो बुरी हुई है ना हमारे साथ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने बड़ा सोचा हुआ था कि थोड़े से बच्चे, नाश्ता बहुत अच्छा होगा, ये तो वो तो। ये जगह देख रहे हैं आप लोग कितनी साफ सुथरी हाइजीनिक लग रही है। यहाँ पर तो लाइट्स भी नहीं ऑन हो रही थी, लाइट्स कैसे ऑन होती है, उनकी लाइट वाली जगह पे बल्ब भी नहीं लगा हुआ। जितनी आज मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ ना मैं बता नहीं सकती। क्या आप लोगों ने मेरे सांबा टूर वाला व्लॉग देखा होगा, उसके नाश्ते और इस नाश्ते का कंपैरिजन खुद ही कर लो, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब मैं ना शुक्रिया नहीं करी, मैं बस कंपैरिजन कर रही हूँ पिछले टूर का और इस टूर का, और मैं बता रही हूँ कि चीजें बेहतर हो सकती थी। और जी हमें चाय भी मिली है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मुझे पेन किलर लेनी पड़ी। और जी हम लोग निकल गए लाहौर के लिए। इतनी देर में गर्मी होने शुरू हो गई थी, मुझे सब पता चल गया था आज का दिन तो मैं गई। फाइनली हम लाहौर पहुंच गए। सबसे पहले जगह जहाँ हमने जाना था वो था फाउंटेन हाउस, जो कि आई गेस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ केयर यूनिट है, क्योंकि ये स्टडी टूर था तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फाउंटेन हाउस में ही क्यों गए हैं आप लोग, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूं, तो इस वजह से। सबसे पहले इन्होंने हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बिठाया क्योंकि इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्री दिखानी थी, एक कोई 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो थी, इसमें सारा बताया गया था इसके फाउंटेन हाउस के बारे में, यहाँ पे जिस तरह से काम होता है और जो भी सारा सिस्टम। तो बड़ी आगे थी यहाँ के मेंबर्स से मिलने की, जो कि यहाँ के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों को वो भी मेंबर्स कहते हैं, इसलिए हम भी मेंबर्स कहेंगे। इसलिए वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।